सम्मानित बाबूलाल जी गुप्ता साहब, राजस्थान खान व्यापार निगम के अध्यक्ष और स्टेज पर बैठे सारे पदाधिकारीगण और बहुत दूर 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 दराज से बीकानेर संभाग से पहुंचे मेरे व्यापारी भाइयों, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूं। मैं जुगल राठी बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल अध्यक्ष अभी नए नए निर्वाचित हूं। मेरी संस्था बीकानेर शहर के अंदर करीब 44 संस्थाएं हमारे साथ हैं, हमारा एक अभिन्न अंग है, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं और उसी के अंतर्गत ही हमारी बीकानेर की कच्ची मंडी आड़त और पक्की मंडी आड़त भी हमारी इकाई है। ये तो वो मेरा परिचय। दूसरा, मैं विशेष तौर से साधु शहर के व्यापारियों का और मेरे भाई जगदीश जी पेरीवाल और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में व्यापारियों को इकट्ठा किया, व्यापारिक संगठन, व्यापारिक ताकत दिखाई और इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। साथ ही अपने सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, उनका मेन मुद्दा MSP है, उस पर खूब सारी चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी है, मुद्दे तो और भी खूब है, लेकिन जैसे जगदीश जी का आज मुद्दा मेन मोटिव यही है, तो उसके लिए बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल आपके साथ है और मैं इस भावना को समझता हूं। यदि व्यापारी इस मंडी में बैठ के इतने पैसे खर्च करके और अपना परिवार पालने के लिए और अपने देश की ग्रोथ के लिए व्यापारी के साथ कितने परिवार बढ़ते हैं, जैसे कि बीकानेर का व्यापार रास्ता के व्यापारी कमाएगा तो लेबर भी कमाएगी, किसान भी कमाएगा, देश सुदृढ़ होगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। तो इसके लिए अपने पुरजोर जोर से गवर्नमेंट के लिए आवाज उठाएंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सभी के सहयोग से और जगदीश जी पेरीवाल के सपोर्ट से अपने को परसों 27 तारीख को CM मैडम बीकानेर आ रहे हैं, उनसे टाइम हो गया है, तो अपने पूरी ताकत के साथ CM मैडम से ये बात करेंगे। ये CM मैडम से टाइम भी जो है, व्यापारियों की ताकत से ही हमने ये टाइम मिल पाया है कि पूरे बीकानेर संभाग के व्यापारी मैडम एक ही आवाज में एक छत के नीचे आ रहे हैं, तो हमारे को स्पेशली आप टाइम दे, तो आप लोगों की ताकत से ये बहुत बड़ी चीज है कि CM साहिबा अपने को पर्सनली टाइम दे रही है। दूसरा, मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं का संथन होना जरूरी है, इस बात का मैं भी सपोर्ट करता हूं और हाँ एग्री भी होता हूं कि संथन दिख भी रहा है। मेरी गारंटी है, अभी किसी को भी बुला लो, एक घंटे से ज्यादा कोई भी आदमी स्पीच वक्ताओं की सुन नहीं सकता, निकल जाता है पंडाल छोड़ के। अभी 2-2.5 घंटे से निरंतर अपनी मीटिंग चल रही है, मेरे को नहीं लगता 10% आदमी भी पंडाल छोड़ के निकला है। इसका मतलब संगठन अपना मजबूत है, संगठन मजबूत होगा तो अपनी ताकत से अपने काम भी करवाएंगे। बाकी मेरी अब मैं जो बोलने वाला मेरी निजी राय है, मैं इस मंच के माध्यम से बात कहना चाहूंगा, पर्टिकुलर किसी एक आदमी पे कोई भी तरीका एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। हो सकता है जिस आदमी पर आप एलिगेशन लगा रहे हो उसमें 10 आदमियों के हो सकता है रिलेशन अच्छी हो, तो अपने सभी साथियों को लेके चल रहा है, एक आदमी पे एलिगेशन नहीं होना चाहिए। अपने को तो जो अपनी मांग है वो रखनी है और इस मांग को पूरा करवाना है। दूसरा, मेरे को लगता है अभी कुछ समय पहले भी कुछ व्यापारियों ने आक्रोश रहा था, बाबूलाल जी गुप्ता साहब हमारी बात को नहीं सुनते हैं या हमारी मांग को पूरा नहीं करवा सके, तो मैं बाबूलाल जी गुप्ता साहब से बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की तरफ से ये निवेदन करना चाहूंगा, जो पीछे गलतियां हो चुकी है उसको तो अपने छोड़े, नए सिरे से आप हमारे साथ पूरे ताकत से पूरे संगठन के साथ इस मंच के माध्यम से हमारे को प्रॉमिस करके जाओगे कि व्यापारियों की जो लीगल मांग है उसकी डिमांड पूरी करेंगे।
बाकी कई लोगों ने बहुत कुछ कह चुके हैं वक्ता, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खून कायम किया, इसलिए धन्यवाद जगदीश जी का जिन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया। जय हिंद, जय भारत।